जैसा आप COP26 की मीटिंग में देख रहे हैं, हम टुवालू में जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी की वास्तविकता को जी रहे हैं। हम अब भाषणों का इंतजार नहीं कर सकते जब समुद्र का जल स्तर हमारे चारों ओर बढ़ रहा है। हमें क्लाइमेट की चिंता सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। कल को सुरक्षित करने के लिए हमें आज ही कठोर फैसले करने होंगे। अभी आप टुवालू के पूर्व विदेश मंत्री साइमन कोफे को सुन रहे थे। ये वीडियो है साल 2021 का, जब ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के दौरान साइमन ने अपना संदेश पूरी दुनिया को सुनाया, बताया कैसे उनका देश दिन प्रतिदिन समंदर में समाता जा रहा है। वीडियो में कोफे घुटने तक पानी में खड़े हुए दिख रहे थे। जिस जगह वो खड़े थे उस जगह कभी सूखा इलाका हुआ करता था, मगर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब वहाँ पर पानी भर चुका है। टुवालू देश का नाम हमें बहुत कम ही सुनने को मिलता है। ये देश साउथ पैसिफिक में पड़ने वाला 9 छोटे द्वीपों का समूह है। आबादी लगभग 12,000 और क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया और हवाई से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर है। निकटतम पड़ोसी किरिबाती, समोआ और फिजी हैं। लेकिन आज हम आपको टुवालू की पुरानी वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि टुवालू में सत्ता परिवर्तन हुआ है। यहाँ फिलिती तियो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और इस बदलाव ने अमेरिका, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ा दी है। दरअसल टुवालू ताइवान को मान्यता देने वाले 12 देशों में से एक है, मगर नए प्रधानमंत्री के आने के बाद समीकरण बदलने की आशंका है। कहा जा रहा है कि नई सरकार ताइवान को मान्यता देने पर पुनर्विचार कर सकती है, टुवालू चीन की ओर झुक सकता है। तो आज हम जानेंगे टुवालू की पूरी कहानी क्या है, फिलिती तियो के PM बनने से क्या बदलेगा और टुवालू की जियोपॉलिटिक्स में कितनी अहमियत है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात होगी टुवालू की। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। टुवालू साउथ पैसिफिक में पड़ता है। टुवालू का कोई भी लैंड पॉइंट समुद्र तल से 4.5 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसी वजह से टुवालू में ज़मीन से पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही टुवालू में कोई नदी ही है। इसीलिए पीने वाले पानी के लिए टुवालू के लोगों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिकांश इलाके में नारियल के पेड़ हैं। यहाँ खेती करने के लिए ज़मीन भी उतनी मुफीद नहीं है, इसलिए ज़िंदगी यहाँ कठिन मानी जाती है। टुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। भाषा अंग्रेजी और टुवालुन बोली जाती है। अब बात करते हैं इतिहास की। 14वीं सदी में समोआ, टोंगन और दूसरे पॉलिनेशियन द्वीपों के लोगों ने अच्छे जीवन की तलाश में पलायन किया। लगभग 400 वर्षों तक शांति बनी रही। फिर आया 1819 का साल। टुवालू में एक ब्रिटिश जहाज ने डेरा डाला। ये जहाज था एडवर्ड एलिस का, और इसके बाद सभी 9 द्वीपों का नाम एडवर्ड एलिस के नाम पर एलिस द्वीप समूह पड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजों का कब्जा होने लगा। पड़ोसी द्वीपों फिजी और क्वींसलैंड में पहले से अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। वो वहाँ बागानों में कई तरह के प्रयोग कर रहे थे, अलग अलग किस्म की फसलें और औषधियाँ उगा रहे थे। उन्हें वहाँ काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत महसूस हुई। वो एलिस आइलैंड के लोगों को जबरन जहाज में कैद करके इन द्वीपों में ले जाते और उनसे मजदूरी करवाते। फिर 1877 में अंग्रेजों ने फिजी में अपना वेस्टर्न पैसिफिक हाई कमीशन खोला और वहाँ एक मुख्यालय की स्थापना की। माने अब अंग्रेजों के नुमाइंदे यहाँ परमानेंट रहने लगे। इसका मतलब ये था कि अब इस ज़मीन पर उनका ही कब्जा है। हाई कमीशन ने ये भी घोषणा की कि आसपास के द्वीपों पर भी हमारा ही शासन है और वो सब इसी हाई कमीशन के अंडर आएंगे। 1916 में अंग्रेजों ने गिलबर्ट और एलिस द्वीपों को एक कर दिया, उन्हें अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया। अगले 20 वर्षों में आसपास के दूसरे द्वीप समूह भी अंग्रेजों की कॉलोनी में शामिल हो गए। फिर आया साल 1974। यहाँ एलिस द्वीप के अंदर जनजातीय संघर्ष शुरू हुआ। मांग उठी कि हमें गिलबर्ट से अलग कर दिया जाए। इसके लिए वोटिंग हुई, दोनों द्वीपों को अलग कर दिया गया। इसके एक साल बाद ही एलिस द्वीप समूह का नाम बदलकर टुवालू कर दिया गया। नए नाम के साथ ही देश में आज़ादी की मांग उठी। 1978 में टुवालू को आज़ादी मिली। फिर 10 साल बाद 1986 में टुवालू को ब्रिटिश सम्राट के नेतृत्व में एक स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। आज़ादी मिलने के बाद टुवालू ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी डिप्लोमेटिक अहमियत काफ़ी बढ़ गई।
आज़ादी के महज 1 साल बाद 1979 में टुवालू ने ताइवान को मान्यता दे दी। ताइवान को आज की तारीख में महज 12 देश मान्यता देते हैं। चीन कहता है हमारा अभिन्न हिस्सा है ताइवान। टुवालू के ताइवान को मान्यता देने से चीन उससे नाराज़ हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर साल 2000 में टुवालू यूएन में शामिल हुआ। ये वही दौर था जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की डिबेट तेज़ हो गई थी। ख़ास तौर पर ये खतरा टुवालू पर मंडरा रहा था, उसकी ज़मीन समुद्र में डूब रही थी। इसी खतरे के चलते साल 2001 में न्यूजीलैंड ने टुवालू के लोगों को अपने यहाँ बसने का ऑफर दिया। इसी साल टुवालू एक और चर्चा में बना रहा, उसने अमेरिका को लीगल एक्शन की धमकी दे दी। किस तरह का लीगल एक्शन? 1997 में जापान के क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में तय हुआ कि सभी देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपना योगदान देंगे। इस समझौते को क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया। अमेरिका ने इसमें साइन करने से इनकार कर दिया। अमेरिका को कई बार मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इससे टुवालू नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर अमेरिका इसमें साइन नहीं करता है तो हम किरीबाती और मालदीव के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर 2022 में टुवालू एक बार फिर से चर्चा में आया। टुवालू के तत्कालीन प्रधानमंत्री कास्तो नतानो ने ताइवान की यात्रा की, ताइवान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। फिर साल 2023 में टुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि खतरे की स्थिति में टुवालू के लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर रह सकते हैं। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया टुवालू के सुरक्षा तंत्र को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा भी समझौते में कुछ चीज़ें तय हुई थी। टुवालू के ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और चीन के रिश्तों के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल नए पीएम फिलिती तियो के बारे में बात कर लेते हैं। 26 फरवरी 2024 को टुवालू में चुनाव हुए। इसमें फिलिती तियो नए पीएम चुने गए। कैसे? टुवालू का चुनावी प्रोसेस क्या है? कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सब कुछ आपको बताते हैं। पहली शर्त, टुवालू का नागरिक होना लाजमी है। उम्र 21 बरस से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 और उससे अधिक की उम्र के लोग वोटिंग कर सकते हैं। 2024 वाले चुनाव में लगभग 6,000 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चुनाव कैसे होता है? यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए सभी लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। देश में कुल 16 सीट वाली संसद है। चुनाव के बाद इन्हीं 16 लोगों में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस बार फिलिती तियो को देश चलाने का मौका मिला है। क्या है फिलिती तियो की कहानी? तियो ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। फिर आगे की पढ़ाई करने वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ से मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री ली। 1986 में तियो ने न्यूजीलैंड के हाईकोर्ट में लॉ प्रैक्टिस की। वो न्यूजीलैंड में वकील के रूप में काम करने वाले टुवालू के पहले नागरिक थे। 1991 में उनकी घर वापसी हुई। टुवालू आकर उन्होंने देश की कानूनी और न्यायिक सेवाओं के प्रमुख के रूप में सेवा दी। फिर उन्हें अटर्नी जनरल की जिम्मेदारी भी दी गई। इसी के चलते वो राजनीति में आए और 2024 में उन्हें 15 सांसदों ने देश का पीएम चुना। ये तो हो गई फिलिती तियो की कहानी, पर टुवालू का चुनाव इतना खास क्यों है? दो पॉइंट्स में आपको बताते हैं। पहला, ताइवान के साथ रिश्ता। पूर्व प्रधानमंत्री कोसो नतानो ताइवान के कट्टर समर्थक थे, लेकिन हालिया चुनाव में वो और उनके 8 मंत्री हार गए। नई सरकार ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों का रिव्यू कर सकती है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और पूरी दुनिया को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने के लिए कहता है, लेकिन टुवालू समेत 12 देश उसकी बात नहीं मानते। हालांकि ऐसे देशों की संख्या लगातार कम हो रही है। जितने कम देश ताइवान को मान्यता देंगे, चीन का दावा उतना मजबूत होता जाएगा। पर इस संबंध की वजह क्या है? ताइवान टुवालू को मेडिकल की सप्लाई करता है और वहाँ कई मोबाइल मेडिकल मिशन्स चलाता है। ताइवान ने टुवालू की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है जहाँ से सरकारी काम किए जाते हैं। साल 2019 में ताइवान ने टुवालू के कुल बजट में लगभग 62,000 करोड़ का योगदान दिया था। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता। टुवालू ने नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संधि का ऐलान किया था। इस संधि के तहत प्राकृतिक आपदा, महामारी या बाहरी हमले की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया उसकी मदद करेगा। साथ ही साथ हर साल टुवालू के 280 नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की इजाज़त होगी। नई सरकार के सामने संधि को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी। हालांकि चीन का दखल इसमें रुकावट डाल सकता है। चीन साउथ पैसिफिक में दबदबा स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वो छोटे छोटे द्वीपीय देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। टोंगो, सोलोमन आइलैंड्स और नाउरू जैसे देश इस जाल में फंसे भी हैं। ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती बनता जा रहा है। टुवालू का पाला बदलना उनके जख्मों पर नमक छिड़क सकता है। टुवालू के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी का एक और प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया है। अब की बार साउथ कैरोलिना उनकी झोली में जा गिरा है। ये ट्रंप की लगातार चौथी जीत है। इससे पहले वो न्यू हैम्पशायर, आयोवा और निवाडा में जीत दर्ज कर चुके हैं। फिलहाल 46 और राज्य बचे हैं, मगर जिस रफ्तार से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं उनका नॉमिनेशन तय माना जा रहा है। तो ये क्या बला है, बेसिक्स से समझते हैं।
अमेरिका में दो पार्टियों का वर्चस्व है, पहली है जो बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच टक्कर होती, लेकिन पार्टियों को फाइनल इलेक्शन से पहले अपना कैंडिडेट चुनना होता है। इसके लिए अलग से इलेक्शंस कराए जाते हैं, इनको प्राइमरीज कहते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, सबके यहाँ प्राइमरी इलेक्शन का अलग अलग सिस्टम है। कहीं पर सिर्फ संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता वोट डालते हैं तो कहीं पर कोई बाध्यता नहीं होती। एक एक राज्य के नतीजों के आधार पर कैंडिडेट्स को डेलीगेट्स अलॉट किए जाते हैं, फिर वे पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में विजेता के नाम पर मुहर लगाते हैं। अभी तक 4 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन पूरा हो चुका है, 4 में विजेता बने हैं ट्रंप। विवेक रामास्वामी और रॉन डी सेंटर्स जैसे दावेदार पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं, फिर भी ट्रंप की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। निकी हेली ने लड़ाई जारी रखी, हालांकि साउथ कैरोलिना की हार उनका भरोसा जरूर कमजोर करेगी। क्यों? दरअसल साउथ कैरोलिना को निकी हेली का गढ़ माना जा रहा था, वो 2 दफा वहां की गवर्नर रही, ट्रंप ने उनको उनके गढ़ में हरा दिया। इसने ट्रंप का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। इसका असर 25 फरवरी के उनके भाषण में भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने सीधा जो बाइडेन पर निशाना साधा, निकी हेली का नाम तक नहीं लिया। सुनिए। And we're going to be up here on November 5th and we're going to look at Joe Biden and we're going to look him right in the eye. He's destroying our country and we're going to say, Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired. अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जहां ट्रंप और बाइडेन की भिड़ंत तय मानी जा रही। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में बाइडेन सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल सबकी नज़र 5 मार्च पर है। उस रोज़ 16 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शंस होने वाले हैं, इसको सुपर ट्यूसडे कहते हैं। इस दिन का प्राइमरी इलेक्शन 5 नवंबर के चुनाव की तस्वीर साफ कर देगा। दूसरी सुर्खी इसराइल हमास जंग से जुड़ी है। 26 फरवरी को फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री मोहम्मद शता ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद पूरी सरकार भंग हो गई है। शता 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। पीए की स्थापना 1990 के दशक में हुई थी, ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद। इसके जरिए फिलिस्तीन में लोकतांत्रिक सरकार बनाने का विचार रखा गया था। ओस्लो अकॉर्ड्स तो फेल हो गया, मगर पीए बना रहा। यासर अराफात इसके पहले राष्ट्रपति बने। 2000 के दशक में पीए में सुधार की मांग उठी, फिर 2003 में प्रधानमंत्री का पद बनाया गया। महमूद अब्बास पहले प्रधानमंत्री बने। 2004 में अराफात की मौत हो गई, फिर अब्बास राष्ट्रपति बन गए। अभी तक वो पद पर बने हुए हैं। पीए को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। उसका शासन वेस्ट बैंक के चुनिंदा हिस्से पर चलता है। गाजा पट्टी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वहाँ 2007 से हमास का नियंत्रण है। हमास एक चरमपंथी संगठन है, इसराइल ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। स्थापना 1987 में हुई थी। मकसद है इसराइल को मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना। फिर 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीत लिया। 1 साल के अंदर उसने पीए के प्रतिनिधियों को गाजा से खदेड़ दिया। फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला किया। इसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला शुरू किया। उसने गाजा पट्टी से हमास को ख़त्म करने की शपथ खाई है। जंग के बाद वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी की सुरक्षा का कंट्रोल इसराइल अपने पास रखना चाहता है, जबकि अमेरिका का प्लान है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का कंट्रोल पीए को सौंपा जाए। लेकिन पीए में जिस फतह पार्टी का शासन है, उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अमेरिका पीए में रद्दोबदल के लिए दबाव डाल रहा है। जानकार कहते हैं कि शता का इस्तीफा उसी दबाव का नतीजा है। शता ने क्या कहा? बोले, वेस्ट बैंक और जेरूसलम में जंग और नरसंहार और गाजा पट्टी में भुखमरी की आशंका बढ़ रही है। नई स्थिति से निपटने के लिए फिलिस्तीनी गुटों के बीच एकता की जरूरत है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 18 दिनों से चला आ रहा राजनीतिक घमासान थमने लगा है। 26 फरवरी को पंजाब प्रांत को नया मुख्यमंत्री मिल गया। मरियम नवाज शरीफ ने प्रोविंशियल असेंबली में बहुमत साबित कर दी। वो पाकिस्तान के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। मरियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी मरियम के चाचा शहबाज शरीफ को मिली है। हालांकि अभी तक चुनाव की औपचारिकता पूरी नहीं हुई है। पाक पॉलिटिक्स के बारे में और विस्तार से जानने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभरात्रि।